नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर नागौर से। विद्या भारती का 32वां राष्ट्रीय खेलकूद समारोह हुआ संपन्न। नागौर अगले वर्ष विद्या भारती के 33वें राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में भारत के उत्तर प्रदेश के आतिथ्य में होने वाले कार्यक्रम में पुनः नवीन ऊर्जा व श्रेष्ठ भाव के साथ फिर मिलेंगे। संदेश के शारदा बाल निकेतन में आयोजित विद्या भारती का 32वां राष्ट्रीय खेलकूद समारोह संपन्न हुआ। पूर्व मंत्री व सांसद जयपुर ग्रामीण राजवर्धन सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता श्री फल वृद्धि पार्षद नाथ ट्रस्ट मेड़ता रोड के अध्यक्ष अशोक समदड़िया द्वारा की गई। कार्यक्रम में विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार का बौद्धिक पाठ्य प्राप्त हुआ। अपने संबोधन में राठौड़ ने कहा कि आज खेल का वातावरण पूरे देश में बदलता जा रहा है। भारत की खेल प्रतिभाएं संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। खेल खेलने वाले का चरित्र उत्तम होता है और होना भी चाहिए। खिलाड़ी गिरने के बाद भी उठने को तैयार रहते हैं, यही श्रेष्ठ स्थिति है। विद्या भारती के खिलाड़ियों की समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत आज जीतने के दृष्टिकोण से खेलने लगा है। 2000 के बाद से दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के 2 यूथ गेम्स हो चुके हैं, तीसरा असम में आगामी वर्ष में होने वाला है। पूर्व में श्री भी विद्या भारती के खिलाड़ी अभिषेक सिंह खेलो इंडिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं। नागौर जिला संवाददाता जिनेन्द्र की खास रिपोर्ट।